Okay, uh, so we can start. Let's wait for a couple of seconds so that uh, everybody can join. And then we will start. Uh, so, uh, very quickly, we are going to learn a very important concept called Ish Mishmir today. Uh, then, very briefly, for a couple of uh, minutes, we will talk about uh, the progress of uh, speaking partners. And then, uh, for the last few minutes, for the last few minutes, we will just talk about the uh, local prepositions. The local prepositions we had talked about, if you remember, an, auf, über, unter, neben, zwischen, vor, hinter. I hope everybody remembers them. We will come to them uh, at the end. First, we will start with the important uh, uh, topic that we wanted to start with today. So we are going to start with our topic Ish Mishmir. So it's a very, very important and a very easy. What you can say if you if you have understood the basics of cases, if you have understood the basics of cases, it's a very easy topic to understand. And that's why I try to club it with cases. After cases, we immediately learn this topic. Even though parts of it are really not really required, it's, it's more of a vocabulary it's more of a vocabulary we learn it as a grammar concept okay so first of all let's start ish concept what is this ish mishmir and why it is so important so please mute yourself whoever this is noise making please mute yourself okay yeah.

एक एनोलॉजी में आपको देता हूं हिंदी में सो हम बोलते हैं केदार ने केदार को केदार से इसको हमने केसेस के जैसे विभक्तियां बोला केदार को केदार ने केदार से वैसे ही आप मैं जब होता है मैं केदार हूं मैं मैं केदार हूं मैं बट एवर स्टूडेंट हूं पर मैं ये चाहिए नहीं आप मैं का भी मुझे करते हो मुझे कुछ तो दो मैंने कुछ तो किया मुझे मुझसे मुझको मुझे मैं मैंने All these हमने क्या किया जैसे केदार को केदार ने केदार से वही हमने उनको विभक्तियां दी केदार को प्रथमा द्वितिया वैसे हम प्रोनाउंस के साथ भी करते हैं कि मैं नहीं रहता मैं केदार हूं पर तुम मैं दो नहीं तुम मुझे दो समझ रहे हो तुम मतलब तुम मैं दोस्ती नहीं करोगे तुम मुझसे दोस्ती करोगे एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो ये जो हम मैं का मुझे मुझसे करते हैं दिस इज सिमिलर टू वॉट इज इशमिशमिया इन जर्मन नाउ अनलि अनलि जो केसेस कंसेप्ट जो था वो इंग्लिश के हिसाब से विथ हेल्प ऑफ इंग्लिश सीखना थोड़ा हार्ड था क्योंकि इंग्लिश में हर चीज द ही रह रही थी वेन इट वॉज फॉर वेन इट वॉज फॉर नाउन्स द बॉल भी जो इंग्लिश में मतलब देर, uh, देर बॉल भी इंग्लिश में द बॉल था दी ओवर भी इंग्लिश में द वॉच था और दास आउटो भी इंग्लिश में द कार था लकीली ये कंसेप्ट इंग्लिश में है इंग्लिश ऑल्सो हैज दिस कंसेप्ट एक बार इंग्लिश की कंसेप्ट सीखने में हम पांच मिनट लगाएंगे इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन इंग्लिश जर्मन कंसेप्ट इज जस्ट वर्ड्स इट्स जस्ट

Would be just try on Zoom. Zoom पे नहीं मिला तो यूट्यूब करो राइट right? एंड मैंने फर्स्ट लेसन में किया था मैंने फर्स्ट लेसन में कहा था आफ्टर फोर फाइव लेक्चर अगर आप टाइम पे भी ज्वाइन कर रहे हो जल्दी भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर ऑट ज्वाइनिंग यू विल गेट टू बी ऑन जूम मतलब फिर से वही वही साइकिल दोहराने में मजा नहीं

इट विल बी मी पर हमने तो बोला कि आई एम केदार राइट right? यस yes. केदार कौन है आई है ना आई एम केदार समझ रहे हो यस yes. यस yes. देखो आई एम केदार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पांच मिनट में अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो आपको मिश मेयर समझ में आया मैं केदार हूं आई एम केदार बट Ovi loves केदार. Ovi loves आए क्यों नहीं? Ovi loves me क्यों? Object that will be the object. Exactly. The क्योंकि मैं Ovi loves me में मैं object हूँ. Because I am object. I I have pinned my screen. Still it is moving. What can I do now? Let me let it spotlight for everyone. Okay. So. Uh,

Yes, sir. Yes, sir. And, जब मैं सब्जेक्ट था तो मैं आई था जब मैं ऑब्जेक्ट था तब मैं मी बन गया अनफॉर्चुनेटली hmm. इंग्लिश में हमने रट्टा मार के सीखा है ना कभी हमको लगा ही नहीं ना कि और ऐसा क्यों हुआ समझ रहे हो ना hmm. हमने रट्टा मार के सीखा हमने मान लिया कि भाई आई एम केदार ओ वी लव मी ओ वी लव आई क्यों कभी पूछा ही नहीं द रीजन इज वेन आई वॉज सब्जेक्ट आई वॉज आई

बिगेस्ट प्रॉब्लम बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल हैव बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल हैव कि पूछते हैं इश मिश मियर मतलब क्या और आप जाके सर्च करोगे तो तीनों का मतलब आपको आए ही दिखेगा और आप बोलना चालू कर दोगे अरे यार तीन आए हैं जर्मन में देर आर नो थ्री आईज इन जर्मन आए द आए इन इट्स ऑल टेक्निकल सेंस इज इश व्हेन आए जब आप आए करके बोलोगे व्हेन यू आर इन नॉमिनेटिव इश जो हमने सीखा है इश ईश्वज केदार इश बिन स्टूडेंट वॉट एवर वॉट एवर वेन आई विल बी ऑब्जेक्ट वेन आई विल बी ऑब्जेक्ट आई विल बी मिश जैसे ओवी मी था जर्मन में ओवी वी लिफ्ट मिश होगा और डाटिव जो है इश का वो है मीय मिय तो इसीलिए जो इंग्लिश में नॉमिनाटिव डाटिव आई मी मी था वो जर्मन में है इश मिश मियर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आई दैट्स इट देन इट्स जस्ट वोकेबलरी एवरीबडी अंडरस्टूड दिस लेट मी क्विकली शो दिस ऑन बोर्ड तो 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 ये ये है हम पहले दिन से करते आ रहे हैं राइट ओवी तो ओवी इज अगेन जब आप प्रॉपर नाउन होते हो तो कोई टेंशन ही नहीं है ना जर्मन में ना इंग्लिश में वो तो ओवी ही रहेगा ओवी okay. ऑब्जेक्ट तो इसीलिए मिश ओवी लिव एंड ओवी हम अभी के लिए डाटि वाला सिंपल करते हैं ओवी प्लेज विथ मी ओवी क्या होगा मियर ओवीट हो मियर ये सबको अंडरलाइन कर दो इश मिश मी

When you will be in dative, you will use मिया. Concept समझ में आई? Yes sir. Yes. लिख लो. Yes, another minute, then we will go ahead. Please, बहुत सारे लोग जो direct इसपे आएं YouTube. Baba ji, please पहले वाले episodes दी इन सबके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकता अजय आई एम गुड ओके ओके सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस सो लेट्स गो अहेड ओके तो एक्चुअली वन के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है एक तो हो गया इश्मिश्मिया दूसरा है दू दिश दियर. अगर तुम सब्जेक्ट होगे तो तुम दू होगे अगर तुम ऑब्जेक्ट होगे तो दिश होगे अगर तुम डाटिव होगे तो तुम दिय हो सिंपल चीज हमने सीखी है कि भाई यू आर वट एवर यू आर केदार दू बिस्ट केदार ये तो सबको आता है ना अगेन हमने देखो इफ यू रिमेंबर आई लाइक रिमेंग एग्जाम्पल्सिंग हमने कैसे सीखा था कि देर आर नो देर आर नो कंटिन्यूस टेंसेस इन इंग्लिश सॉरी इन जर्मन आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड से हमने सीखा था कि आई एम लविंग इट इंग्लिश में लविंग इट कंसेप्ट ही नहीं जर्मन में आई एम लविंग इट विल बिकम आई लव इट विदम एवरीबडी रिमेंबर्स इट यस सर प्लीज म्यूट करो यार आई एम लविंग इट हमने कैसे सीखा था कि देर इज नो कंटिन्यूअस टेंस इन जर्मन सो आई एम लविंग इट विल बिकम आई लव इट इसीलिए इशलीब एस वैसे ही द बेस्ट वे टू रिमेंबर द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इशमिशमियर कंसेप्ट इज और क्यों कर रहे हो यार इज आई लव यू द बेस्ट क्लासिकल थिंग अभी कौन कर रहा है लव इश लीब किस तुमसे यू आर अकुज मन में इश्लीब दू नहीं ईश्लीब दिश दिस इज वाई अनफॉर्चुनेटली पहले दिन लोगों को करना होता है पहले दिन सिर्फ आई और यू सीखते हैं और फिर आके मुझे पूछते हैं पर्सनल मैसेज लिबो दू क्यों नहीं होता है इसीलिए दू का अकुजिव फॉर्म दिश इसीलिए इश लिबो दिश जब भी ऐसे दिमाग में आए कि कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आईन सिमिलरली आई प्ले विथ यूटी मिट दियर दैट्स आई प्ले विथ यूशील मेट दियर अगेन कंसेप्ट सिंपल है राइट दिस डाउन बर yes, is yes. ऑल जब हमने रिक्वेस्ट सीखे रिक्वेस्ट मैंने आपको एक रिक्वेस्ट दी थी कैन यू गिव मी वट एवर पेप्सी तो हमने क्या बोला था क्योंन जी बन अभी के लिए मिया को भूल, देवसी देवसी को भूल अभी के लिए जस्ट याद रखो मुझे रिमेंबर अभी के लिए मिया का ज्यादा मत सोचो अभी के लिए इसको मुझे समझो एवरीबडी रिमेंबर दिस पढ़ाई कर गई मैं जो सिखा रहा हूं उसका कुछ फायदा हो रहा है ना मतलब कुछ कर रहे ना ना yes हो ना घर पे कि भाई मतलब ये पार्टनर बी बिग लॉस आई डोंट नो मैं अपनी नेक्स्ट बैच शुरू भी कर पाऊंगी कि नहीं बिकॉज आई अ ट्रिमेंडस एफर्ट्स इन दिस बैच सर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर समझ में आती है नहीं पर मैं जब ऐसे बोलता हूँ ना कि जी मिया गेबन किसी को याद है क्या तो आ, ऐसा सन्नाटा होता है ना कि किससे पूछा मोडाल सर याद है सर। अरे मोडाल नहीं बड़ी रिमेम्बर गे, के टाइम मैंने बोला था कि अभी के लिए मियाँ भूल जाओ जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तो हम इस पे सोचेंगे आप बोले थे एनी anyway, वे ये मैंने रिक्वेस्ट में बोला था हमने एक प्रॉपर क्लास लिया था पर जाने दो जो भी हुआ था एनी anyway, वे तो देखो वाई इज मियर हियर क्योंकि देने वाला कौन है आप आप इज सब्जेक्ट समझ रहे हो ना फॉर्मल यू इज सब्जेक्ट क्या दे रहे हो पेप्सी दे रहे किसे दे रहे हो हुम यू आर गिविंग म्यूजिक आई एम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट्स वाई आई एम डाटिव इसीलिए क्यों पेप्सी गे बन अंडरस्टुड सर इसको एक बार और रिपीट करेंगे प्लीज देखो हमने सीखा है इश इश तो कॉन्सेप्ट समझ में है मेन आई एम सब्जेक्ट आई एम इश मेन आई एम ऑब्जेक्ट आई एम मिश मैन आई एम डाटिव आई एम मिया। अभी इस सेंटेंस में क्योनजी पेप्सी गेबन में सब्जेक्ट कौन है समझ में आया डायरेक्टेक्टी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है मैं हूं hmm. तो मैं अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं तो मैं क्या हूं मैं डाटिव हूं Dati. और हूं तो मैं ही तो मेरा डाटिव फॉर्म क्या है मिया इसीलिए क्यों नंदी मिया पेप्सी गिबन गुड

अन मतलब समझने जैसी होगी नहीं मतलब मैं हर ऐसे करोगी मैं खाता हूं तुम मैं दो इज right? तुम मुझे दो समझ रहे हो ना सिमिलरली मराठी मी केदार मी दे नहीं तू मला दे समझ रहे हो यस सर मला माझे ऑल दिस हिंदी में मैं मुझे ऑल दिस आर बेसिकली जो मिश मियर हैं जर्मन में सो नॉमिनाटि नहीं है क्योंकि गेनेटिव बोलता है पजेशन और पजेशन हमने सीखा है क्या होता है इश्क माइन एवरीबडी रिमेंबर दैट

तो uh, जब मैं आता था एंड इट्स इट्स बेसिकली सो अरे नहीं मत करो ना यार कौन है ये प्लीज म्यूट करो सो आई यूज टू गो टू पिक हर अप एंड बिकॉज इट्स अ कीटा एंड किंडर गार्डन टूगेदर दो ढाई साल के बच्चे भी होते थे एंड देर यूज टू बी लाइक माई डॉटर शिवर थ्री एंड हाफ इज एंड वन डे आई वेंट देर

आई वांट थ्री पीसेस आई एन फ्यूर मिश आ लिए जब लिए जब फ्यूर मिश मांग रही थी तो जो शी इज टू एंड हाफ इयर्स ओल्ड उसको इट्स इंपॉसिबल फॉर हर टू अंडरस्टैंड कि इश्क का मिश होता है समझ रहे हो यस टू एंड हाफ इस्ट आस्किन इट सो मेनी टाइम उस बच्चे ने इतनी बार घर में फ्यूर मिश फ्यूर मिश फ्यूर मिश सुना है कि अपने आप वो फ्यूर मिश बोलती है उसको ये करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो इश हूं पर फ्यूर है फिर है तो इश का मिश है दिस इट्स ओके टू नो दिस आपको अगर बोलना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट आपको वो सुनना पड़ेगा समझ रहे हो right? hey, yes, sir. Sir. Yes, yes, sir. में yes, तो क्या बोलते हैं क्या कर रहे हो हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स आई एंड दिस फॉर मिश मतलब दिस इज फॉर मी सो दिस इज वेयर

listening 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 to that weg, listening mm -hmm. to to that 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 my Peppa Pig is important. See, again, I I'm, I am mean, in in my mother tongue there is a very, I, I like that, uh, saying a very like saying lot So जितने लोग उतने उनके स्वभाव So I see few groups going very well. दो लोग इतनी बार बात करते कि फिर मैं उन ग्रुप से एग्जिट हो रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज I am going, मैं जब भी खोलता हूँ पांच सौ नए मैसेज आए आई गेट वर्ल्ड एक दिनोज दिन करके आते हैं कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे हैं कुछ लोग थोड़ा बोलते हैं प्लीज गाइज ये दूसरे किसी के लिए नहीं है दिस जो द स्पीकिंग ग्रुप दैट वी है यू इट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आई कैन अंडरस्टैंड किसी दिन आप समी समे जस्ट से भाई मैं ट फ्यूवर इट्स स्टिल ओके आई एम एम नॉट सी भाई तुम पूरा छोड़ दो एटलीस्ट जी इट्स अगर मैंने ग्रुप बनाया है देर इज वन यूर पार्टनर इफ दैट पार्टनर इज रिटर्न हाई इट्स नॉर्मल कल टी कि भाई पे हाई तो लिखो राइट right? इतना बिजी तो मतलब आई डोंट थिंक मतलब जुकर uh, बर्ग से लेके एलोन मस्त तक कोई होगा राइट right? कि एक हाई नहीं लिख सकते हो सो द स्पीकिंग ग्रुप वेर ऑलवेज फॉर यू

And they have logically explained it. So that that level crazy it is but the but the thing is that in that uh, in and that's what when I, I learned uh, from that is that nobody can make you do that that's a proper German serial the moment the moment you can understand dark upka C1 C2 hoge it's as simple as that. Why dark? Because <laughs> वो जर्मन सीरियल है सो पुलित शायक पुलित शाय दिखेगा अंतराग मतलब एप्लीकेशन आपको अंतराग लिखा हुआ दिखेगा बट अगेन हम डायग्रेस हो रहे हैं द थिंग इज दैट द मोर यू वॉच द मोर यू टॉक विथ यूअर पार्टनर द इजियर इट विल बी फॉर यू द इजियर दिस अगेन आज की कंसेप्ट नहीं समझ में आई है तो अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो दि द वेरी रीजन टू गिव यूर पार्टनर इज दैट There are two people who are at similar level. I tried to make sure that कि भाई आपकी एटलिस्ट मदर टांग या प्लेस या तीसरा क्या था या ऑक्यूपेशन सेम हो and then you are of the same gender So I tried my best to do that. Please use that and keep speaking. Okay? इससे ज़्यादा हम इसपे भी baat nahi karenge Everything is clear now. Let's make five sentences. Yes sir. Again, all the rules of. Uh... हार्ड वन इज हार्ड मैंने जानबूझ के दिया है कि आप अंडरस्टैंडिंग पावर समझने के लिए तीन ही बस है व्हेन वी विल लर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल are done just write done in the kritika have you answered today sorry before this okay i don't think we are reaching kritika uh, shardul have you answered uh, sir so just one sentence because of network issue Okay, so let's let, let you answer another three sentences. Okay, you, sir. yeah. So let's wait for another thirty seconds and then we can do it. Okay. Sure. Okay. Okay. Yeah. Okay. Uh, first sentence.

बट यूरस्टैंड ऑब्जेक्ट इट्स बिकॉज इट्स आफ्टर अक्टिव प्रपोजिशन दैट इज फ्यूर इसीलिए Here I subject coke is the object and you it becomes indirect object ishkan dear coke Gaben very nice. ishkan dear coke Gaben very nice very quickly. Yeah. It character liko a blog hmm. Sir, can you repeat last sentence?

क्यों समझ रहे हो ना कि इसीलिए तो मैंने स्पेसिफिकली बोला किसको दे रहे हो इट्स इट्स अ अटिव राइट इश्कानाइटेड अनिल्टिटमियर फर्स्ट वन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट मिट, right? मिट इज डाटिव हमने बहुत बार किया है अनिल स्पील्टिटमियर नहीं सर थर्ड थो, वाला थर्ड वाला थर्ड वाला मैं वही बोल रहा हूं ना कि कौन दे रहा है किसे दे रहा हूं? दे रहा रहा तुम्हें तुम इंडिरेक्ट हो, इसीलिए को दीबन समझे यस सर यस सर थैंक यून जो है हमारा ये तो, तो इस से हमने डेर लिखा आप मेरे से बात कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा जोर से करो अगर आप दूसरे किसी से बात कर रहे हो तो म्यूट हो जाओ नहीं नहीं सर आपसे बोल रहा हूँ सर मैं बोलो सर जीवन हमारा डाटी वे डाटी वो है तो इस वजह से कौन हमें... अरे ये डाटी वर्ब वगैरह कौन है डाटी वर्ब वर से कुछ हम सीखा है हमने ओके सर और ये कुछ अरे ये आधा अधूरा मैं वही बोल रहा हूं वो जो है ना वो डाटिव वर्ब जो भी कुछ होते हैं और वो भी डाटिव वर्ब ऐसे अलग कुछ नहीं होता है वो हमारी हिंदी की कंसेप्ट है पर वो जो बीवन की कंसेप्ट है अभी यार मतलब अभी दो का पाड़ा नहीं आता और पैतीस का ये करने जाते हो यार क्यों करते हो कहा से आ गया डाटिव वर्ब सिंपल है ना सर मेरा क्वेश्चन था यस yes. ये जो लास्ट सेंटेंस था उसको हम इसकी तरह ले तो क्यों मिया मीज, पिज्जा केबन के जैसे ही लेने का है ना सर उसके मतलब सिमिलर ही है ना वही अगर समझ गए तो ये भी वाला समझ जाएंगे ना हम हाँ वो सिमिलर है पर व्हाई डू यू नीड टू तो गो टू क्यून इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट कौन yes. दे रहा है कितने दे रहा है क्या दे रहा है इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देन अगेन एज आई सेड the reason why i am talking this this is the sixth class pehle panch class humne nominative kya hai accusative kya hai dative kya karne mein lagaye hain aaj hum us pe nahi jane mein point hai today it's just if you are nominative you are mish if you are accusative you are mish if you are dative you are mere अभी फिर से अगर हम चालू करेंगे कि भाई क्या नॉमिनेटिव क्या अकोजेटिव क्या डाटिव तो फिर देन एक महीना तो फेल ही गया राइट right? यस yes, Yeah. सर ये आ, अगर हम आ, इश, आ, इश है तो वो नॉमिनेटिव है अगर मेयर है तो... नहीं 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 नॉमिनेटिव है तो इश है हम्म है If... तो मेयर है यस yes. आपको है तो अगेन मिश है यस ओके मन एनी अदर डाउट सर सर एक डाउट है सर यस सर आपने जो पेपर पिक वगैरह सर आपने जो दिया था तो यूट्यूब का देखने के लिए सर वो समझ में नहीं आ रहा है मतलब जो है, वो आज नहीं आएगा वो तो इस पैसिव लर्निंग के लिए है पेपर पिक इज ओवर एंड अब फर्स्ट सी निकोज वे मैंने बोला था अगेन वो वीडियो देखो उसमें समझ में आएगा ओके आ, तो आ रहा है अरे वो टाइम लगेगा जब आप इंग्लिश अभी आई डोंट नो आप इंग्लिश में कौन से स्टैंडर्ड में थे तब आपको इंग्लिश सीरियल समझ में आ रहे थे समझ रहे हो राइट right? जी सर इट विल पहले निकोज वेक करो इसीलिए निकोज वेक समझ लो फिर एस्टोवे समझ लो फिर दे अगेन प्लीज लेट्स नॉट डू दिस इश्मर में कोई डाउट है तो पूछो सर uh, uh, ये जैसे कि इश्क का नॉमिनेटिव हो गया मेष uh, इनडायरेक्ट uh, मतलब डेटिव हो गया मेयर और अकुजेटिव हो गया मेष ऐसी दू का भी आप बता सकते हैं अकुजेटिव अरे अभी हमने किया ना दू का दिस और डियर जी अभी जस्ट आपने एक सेंटेंस बनाया ना इश्कान डियर कोक देबन जी दिस जो है नॉमिनेटिव और आकुसाटिव दोनों में रहेगा नहीं यार ऐसे अरे नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो यार दो नॉमिनेटिव है ना दो तो नॉमिनेटिव ये तो आप पहले दिन से कर रहे हो यार ऐसे क्यों कर रहे हो गाइज मतलब आप आई डोंट नो मतलब कि हम कहा जा रहे हैं इश मिश मियर आज हम सिर्फ अकुजाटिव और डाटिव नया सीख रहे हैं नॉमिनेटिव ईश और दू तो आना चाहिए राइट अगर आपको इश मतलब मैं और दू मतलब तू नहीं पता है तो हमने क्लास कंटिन्यू करने में कोई पॉइंट नहीं है ओके आई थिंक आज ना नेक्स्ट पॉइंट लेने में मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करके आओ आप लोग नॉमिनेटिव अक्टिव डाटिव का फिर हम आगे का लेंगे बिकॉज आई आई वॉन्टेड टू गिव यू समिंग मोर कि इनके बाकी के सारे वर्ड बट अभी आपका रिस्पॉन्स देख के मुझे लग रहा है कि आप डरोगे ही सो आई थिंक आई नीड टू बी अ लिटिल बिट स्लो विद बैच आई एम आई एम नॉट आई एम नॉट गेटिंग क्या आप क्यों नहीं समझ में आ रहा है पढ़ाई नहीं हो रही है क्या हो रहा है दिस वॉज अ वेरी इजी कंसेप्ट इन अर्लियर बैचेस अगर आप पहले देखोगे ना वी यूज टू कवर दिस इन फाइव मिनिट्स इट्स जस्ट थ्री वर्ड्स इश मिशम

तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो कि भाई नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव और अपोजिटिव दोनों दिश होता है क्या आई ऑल गाइस सिर्फ वो अवेलेबल है जूम पे इसलिए मत आओ समझ के आओ मतलब आई um, एम वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्या है कि मुझे आपको देखो इट्स इट्स नथिंग

Uh, अभी ये कंसेप्ट के लिए जनरल आइडिया बाकी लोगों के लिए एक बार प्रैक्टिस करो और सर बीच में आपने जैसे टेस्ट लिया था ओके आई नो यू आर नॉट इन दैट फेवर टाइम भी बेस मत आगा करो देखो, यार देखो आ, आपको मतलब यू गाइस मतलब प्लीज लेट्स लेट्स बी इन पॉजिटिव फ्रेम यू हैव गॉट नो कि एक टेस्ट लेना मतलब कितना ये होता है नहीं uh, सर आपका एक मैंने एक वीडियो यूट्यूब वाला रेगुलर देखा है आपने सिर्फ एक 10 मिनट का वीडियो और एक सेंटेंस वाला लिखा था youtube पे डाला था और आप करो करेक्ट ऐसे बोला था दिस इज जस्ट एन ऑप्शन इफ इट इज टेकिंग टाइम रिवीजन इज मस्ट टू अंडरस्टैंड सिंपल देखो इट्स वेरी सिंपल एट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर 15 सेंटेंस के बाद अगर 15 दिनों के बाद आपको नहीं करना है तो मैं नहीं करवा सकता समझ रहे हो ना पहले दो दिन तीन दिन चार लेक्चर्स आई कैन मोटिवेट यू But if if after 15 days after learning so much so fast, if you are not interested, I cannot make you interested. I I really don't want to make you interested. I mean, वो बहुत मतलब पहले बहुत वो effort लेके हो गए कि भाई चार ये क्या है कि भाई German easy है. If you don't understand, trust me, guys. Then then maybe it's. अगर इतना करके भी मतलब I am I I don't know what is happening. आज का मतलब आज का session I am completely Uh, मतलब मुझे कैसे आगे जाना समझ में नहीं आ रहा है कि हमने फोर्टी फाइव मिनट्स कर लिया आज तो कुछ डिस्ट्रक्शन भी नहीं था फिर भी लोगों को सिंपल इशमिशमेर दूध इिश दी और नहीं समझ में आ रहा है एनी वे लेट्स ट्राई टू फाइंड अ लिटिल बिट मोर अनदर वे आई डोंट नो वॉट वी कैन वी कैन डू बट एज एड दिस इज सेवेंटी सेकेंड बैच किसी भी बैच में ऐसे नहीं हुआ था और ट्रस्ट uh, मी इस बैच को जितना मैंने एफर्ट लिया है दूसरे किसी बैच में नहीं लिया था आपके लिए गूगल फॉर्म करके टेस्ट लिया आपके लिए गूगल फॉर्म करके स्पीकिंग पार्टनर्स दिए वी 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 ट्राइड सो मेनी न्यू थिंग्स पर अगर वो रेसिप्रोक्रेट नहीं हो रहा है ना इफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड इट्स 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 नॉट इट्स नॉट गोइंग अहेड वेरी वेल गोइंगनी लेट दैट स्लाइड अवे हम करेंगे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अवे कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है दिस सिंपल कंसेप्ट

अनफॉर्चुनेटली यू का यू यूर यूर ही होता है ही uh, का क्या होता है हिज ही, ही, ही हिम होता है जैसे हिंदी में मैं मुझे मैंने होता है तू तुझे तूने होता है वह उसका उसने होता है सिमिलरली हम, हमें हमे, हमने होता है सिमिलरलीयर भूल जाओ वी आर गोइंग टू डू एट द एंड वन जब एंड होगा तब हम ये ईयर सोचेंगे बाकी सब जस्ट राइट दिस डाउन मैं ये भेजूंगा भी अपने ग्रुप पे आई विल सेंड दिस ऑन आवर व्हाट्सअप ग्रुप नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे इट्स जस्ट दैट देखो सिंपल है इश्दियर के एग्जाम्पल हमने लिए हैं वैसे ही जब ही केदार ही केदार होगा जब ही सब्जेक्ट होगा तो वो एर होगा पर जब वो ऑब्जेक्ट होता आई लव हिम तो जब एर का अकोजटिव होगा तो वो होगा। इहीन होगा इश होगा। और जब आई प्ले विथ हिम होगा तो इश ईश्वी मिट इही होगा ये कैसे करना है और इसका यूज कैसे करना है इससे डरो मत जस्ट राइट दिस डाउन आई विल सेंड दिस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो नेक्स्ट क्लास में पहला आधा घंटा हम ये करेंगे और फिर हम पास टेंस शुरू करेंगे डोंट वरी जस्ट राइट इट डाउन डन यस सर इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में हम एकदम इजिली बोलेंगे अजय प्लीज लास्ट वाला वीडियो देखो हाउ टू प्रैक्टिस मैंने लास्ट की वीडियोज में बोला है ओके, सो आई थिंक वी आर डन. अगेन अगर आपने लिख के लिया है तो सिंपली चीजें हैं कि जैसे वही था अगर इफ यू हैव डाउन, सिंपल थिंग है कि भाई जैसे इंग्लिश की तरह ही है कि भाई वी लव केदार अगर होगा या फिर वी लव ओवी तो वी लिबन क्योंकि वी तो ऑपोजटिव था नाउ ओवी लव्स अस ओवी लव्स अस तो उसमें हम क्या है ऑब्जेक्ट है तो हम अक्कुजेटिव है तो वी का अक्कुजेटिव क्या लिखा है देखो हमने इट्स इट्स जैसे इंग्लिश में आपने अस किया था वैसे जर्मन ने उन्स किया कंसेप्ट समझ में आई यस यस सर सर जैसे इंग्लिश yes, में आपने क्यों था? अरे क्या है अस क्या है आपने याद रखा था वैसे द बेस्ट वेज वो भी लिप्ट उन्स। एक बार ये दिमाग में आ गया तो हर बार वियर का उन्स, वियर का उन्स नहीं करना पड़ेगा एनी वेट दिस क्लास ऑन दिस ओके ओके आज जस्ट बिफोर गोइंग चलो थोड़ा सा क्विज करते हैं सो लेट सी की आपको कितना याद है ओके okay, uh, मैं एक, -एक uh, uh, आर्टिकल uh, uh, बोलूंगा उसका मीनिंग बोलना है और वो अक्टिव है या डाटिव बोलना है आपको ओके नाक आफ्टर ओके प्योर आपको

एवरीबडी रिमेम्बर्स आज ज्यादा ये नहीं करतेप्टेट्स वेरी गुड तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ वेरी कॉमन कंसेप्ट सेम थिंग यू यूज इन यूर मदर टंग मी माझा मला झा ऑल दिस दिस इज ऑल मराठी मैं मुझे मैं मुझसे मुझको हिंदी इन इंग्लिश इट बिकम्स आई मी मी सिमिलरली इन जर्मन इश मिश मियर इफ यू आर नॉमिनेटिव यू आर इश इफ यू आर अक्टिव यू आर मिश इफ यू आर डाटिव यू आर मियर आज हमने दो चीजों का ये करना सीखा इश मिश, मिश मियर दू दिश दियर और याद रखने के लिए सिग्नेचर ये क्या है आई लव यू इज इशलीब दिश क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूं इसलिए इश इस रहा तुम ऑब्जेक्ट हो इसीलिए दो का दिश बन गया ओके okay? में next class में हम ही का शी का इट का वी का दे का कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं ओके बड़ी एनी इन इनमीर जस बिकॉज दे आर डिफरेंट जीज वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास पर अगर आपको जी पता नहीं है तीन जी जो होते हैं जर्मन में तो वो पहले वो समझ लो देन यू विल अंडरस्टैंड ओके अगेन गाइज इमीजिएटली आज यू यू माइट बी विजिटिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब इट इज पॉसिबल एंड प्लीज मेक श्यूर प्ले लिस्ट इसी प्ले लिस्ट में जी मतलब दे भी होता है कैपिटल मतलब आप भी होता है एवरी टाइम वी कैनोट कीप सेंग दैट राइट दैट्स वाई प्लीज मेक श्योर कोई कंसेप्ट नहीं पता है तो आप उसका पहले आह एपिसोड से रिवीजन कर लेना अंडरस्टूड एवरीबडी यस ओके सर ओके सो देन लेट्स मीट ऑलरेडी बी आर या सो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे आह इसको रिवाइज करेंगे एंड देन वी बिल गो एड हेड विथ आवर आह मेन थिंग दैट वी वांट टू स्टार्ट इज पास्ट टेंस ओके केसर